तुम व्हाट्सअप जू व्हाई यू आर चिपिंग है व्हाई यार अरे खाएंगे और खाने में ध्यान देंगे पर ठीक हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और मेरी गुड मॉर्निंग अभी हो रही है ऐसा कुछ नहीं है मैं थोड़ा सा घर से निकल गया था अभी थोड़ी देर पहले और फिलहाल ये रातीघाट की चढ़ाई पे हूँ तो ब्लॉक की शुरुआत रातीघाट की चढ़ाई से हो रही है मैं अभी उतर रहा हूँ इसमें से और फिलहाल मैं जा रहा हूँ कफुल्टा की तरफ को यहाँ पर हल्की हल्की धूप आई हुई मतलब छिपने वाली है धूप अब ऑलमोस्ट तो फिलहाल चलो चलते हैं ये है रातीघाट का पुल गाइज ये है रातीघाट का पुल और ये है नदी जो भवाली से आ रही है और बह रही है सीधे नीचे खैरना गर्म पानी होते हुए बेतालघाट जाते हुए रामनगर की तरफ को लास्ट टाइम में जो यहाँ पर तहलका मचा था ना उसके ये पौधे अभी भी यहाँ पर नदी में दिखाई दे रहे हैं उसके अवशेष अब जैसे जैसे नदी कभी कभी बीच बीच में आती रहेगी तो अवशेष निकलते रहेंगे अभी हम इस वाले पुल को क्रॉस करेंगे आपने लास्ट से अपने पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा वैसे भी ये पुलिया तो ये है पुल यहाँ आसपास ना कहीं अखरोट के पेड़ नहीं है तो बट यहाँ पर एक अखरोट का पेड़ आया हुआ है तो अनुमानित है कि अखरोट का पेड़ कम से कम 3 किलोमीटर दूर 3 किलोमीटर क्यों 2-3-4 कम से कम 4 किलोमीटर दूर से आया हुआ है जाख के वहाँ खेतों में थे अखरोट के पेड़ तो उनके बह चुके थे मुझे लगता है शायद वही अखरोट के पेड़ ये होंगे और अगर जाख से कोई देख रहा है अगर उनको पता है कि उनका अखरोट का पेड़ कैसा था वो यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं गाइस अपना अखरोट का पेड़ देख सकते हैं कि और अगर उसका कुछ अवशेष चाहिए तो वो ले जा सकते हैं यहाँ पर से तो यहाँ पर रास्ते कुछ इस तरह से हैं मतलब बहुत ज़्यादा सफाई वाला नहीं है एकदम झाड़ी वाला है थोड़ा जंगल वाला एरिया है थोड़ा नहीं वैसे 2 किलोमीटर लगभग पूरा जंगल है तो डर तो लगती है जंगलों में तो हम लोग पहाड़ों से हैं तो आदत है हमें जंगलों में चलने की तो फिलहाल चलता हूँ मैं अकेले भी हूँ 2 किलोमीटर के बाद में मुझे 2-3 लोग मिल जाएंगे आगे जाके इस जंगल में अक्सर बाघ रहता है मेरे आगे आगे से चल रहे हैं स्कूल के बच्चे 3-4 बच्चे हैं ये देखो बच्चा बाटे आ गए स्कूल से हाय अकेले अकेले चल रहे हो कितने लोग हैं तुम्हें डर नहीं लगता रास्ते में बिल्कुल नहीं बाबा हो तुम तो बड़े बहादुर हो यार क्या हाल चाल है तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कफुल्टा के गांव में और ये हमारे मित्रवर बालमदा और दोनों भाई ये जो नीचे मिल गए थे और स्कूल की एक छोटी सी बच्ची और दूसरी वाली कहाँ है छोटी वाली अरे यार आजा फिर चलो फटाफट चलते हैं आंवले खाते हुए चल रहे हैं आराम आराम से तो गाइस देखो यहाँ पर लगा रखे हैं लूटे 2 और ये देखो ये जुगाड़ में फिट कर रखा है यहाँ रस्सी से बांध के एक टाइम थी जब यहाँ कतु भीड़ हरू थी स्कूल यहाँ बहुत ज्यादा और आपका तो रहेगी अबे गिनी चुनी इक्का दुक्का कहाँ गी हूँ सब हरेगी ये गौन अंतिम गी कहाँ सब है यहाँ बटी सब हरेगी सब है मैल मात्र 5 देखी और कोई दिन है की कोई कान है की कोई कान है तो भैया हमारा पहाड़ छोड़ दे सब यहाँ बटी नहीं खत्म है कोई पहाड़ सब और न तो यहाँ पहली बाप रे कम से कम 200 लोग तो कम से कम ये रोड में चलू होना है स्कूल टाइम पर अमरूद चोर थी भाई तू अमरुद सब में ज्यादा चोरी यार भाई बहुत ज्यादा अंगाव तो खैर ये वो ट्रक हैं जो ये रोड में काम कर रहे हैं इस वाली रोड में कफुल्टा वाली की हाँ भाई काहे लड़ रहे हो किसने किसको मारा बताओ मेरे को पहले दोनों को मारते इसने इसको पहले मारा इसने भी इसे चाटा मारा इसने भी इसको मारा फिर ये रोने लग गई क्यों रो रहे हो आप बताओ तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो बताओ मेरे को पहले हैं ये तो लड़ रहे हैं गाड़ी कौन चला ड्राइवर कौन है तुम में से ये है ये अच्छा ये है ड्राइवर हाँ। गाड़ी कौन चलाता है स्पीड में ये ये अच्छा ये चलाती है हाँ तो स्माइल हो गई है क्या बात है चल रोना नहीं ठीक है कोई बात नहीं आप लड़ गए तो लड़ गए अच्छा तो ऐसा चल रहा है फिर तुम्हारा और तुम लोग स्कूल नहीं गए ये लो भी टॉफी खाओ ये ले चल खुश हो जाओ पहले हंस के दिखा एक बार स्माइल कर शाबाश ले पकड़ अब स्माइल तो कर दे यार जोर से स्माइल कर और ये ले
तुम भी खाओ, चलो हाय बोल दो, हाय बोलो, ऐसे करो। अरे रोना नहीं, आप क्यों रो रहे हो हैं? आप क्यों रो रहे हो? अभी स्माइल तो करो, दांत दिखा दो। बस बस सब जने हंसो, तभी तो हंसी क्यों गंदे बच्चे, लड़ते नहीं है। अरे तुम्हें तो मैंने टॉफी दिया ही नहीं भाई, ये लो, वो कहाँ है तो? अरे सॉरी सॉरी, गलती हो गई भाई। चलो गाड़ी चलाओ, चला के लाओ। तुम्हें मैं टॉफी देना भूल गया, बताओ ऐसे कैसे? ये एक वो हाल में, आप छोटे हो ना, आप काम भी ज्यादा कर रहे हो, गुस्सा भी ज्यादा ला रहे हो, ठीक है? चलो फिर आ जाओ। हाँ भाई, उसकी हरकतें देखो, हरकतें। ये जो रोड क्षतिग्रस्त हो रखी है ना, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं बाहर से। तो ये उनका डेरा है बेसिकली। तो लोग ना पहाड़ों में जो बाहर से आते हैं वो कुछ इस तरह से रहते हैं, और ऐसे घर बना करके, ऐसे टेंट बना करके, ऐसे टेंटों में रहते हैं। क्या हाल चाल केला अर्चा वाट? बुआ के चल रहा है ये देखो, बुआ और भौजी, भौजी क्या हाल हो रहे है भौजी? बुआ बेला भले अच्छे दाव छिटन से भौजी बेला 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 तो हम हाजिर है, देखो हेलो। तू इतना क्यों डरा हुआ है, हैं? क्या हुई हैं? तू वहां भागा क्यों बता तो मेरे को, कितना गंदा हो गया तू हैं, गंदा बच्चा। चल व्हाट्सअप पुजू, खुश रहो, ठीक ठाक? क्या हाल है, ठीक है? फिलहाल हम लोग आ चुके हैं बुआ लोगों के वहां से, अभी हम लोग जा रहे हैं निमंत्रण में। सभी लोग कोई नहीं दिखना ना, सब कॉपटे दिखनी बानर दैल। तो अभी सबका मुंह ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पर वहीं जाके देखते हैं जो लाइटिंग में। व्हाट्सअप गाइस, के चल रहा है? हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। हेलो, अच्छा राम राम, क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो? खुश रहो। क्या बना रहे हो? बम सब्जी बना रहे हो? बालम देदा बला, ठीक छा? हेलो बम्बो, हाउ आर यू? पांडे जी हाउ आर यू, क्या हाल है? क्या हुन चो, व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है? नमस्कार नमस्कार, ठीक से? कुशल मंगल, क्या हाल है री? बड़े से दाढ़ी मोटी, के हुन चो, के चल रहा कार बार? बुआ बेला, ठीक छा? ओ बुआ बेला, भले हट से दाढ़ी मोटी, कुशल मंगल रुजा अलग हार आली तब मिलो गौ, दाढ़ी मोटी खूब करो। क्या हुन चो गाइस, हाय 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 हाय, हेलो राधे 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 राधे, क्या बना रहे हो? लेमन टी। कौन सी लेमन टी? एक सीन तो बहुत ही बेकार रहा है। कौन सा वाला? वो ये घोड़े के पीछे इसलिए दौड़ रहे हैं कि अपने घोड़े में बैठने तो बैठ ही तो रहते तुम। हाँ जी, तुम तैयारी चल रही है? ये आलू उबाल रखा है या कच्चा है? उबला, मैं नहीं खा रहा फिर। पार्टी क्या कर रहे हो तुम लोग? ये लो चलो टॉफी खाओ एक, और थैंक यू बोलते रहो एक साइड से, एक साइड से थैंक यू भी बोलते रहो। कितने बदतमीज है, कम नहीं पढ़ने चाहिए? हाँ कम नहीं पढ़ने चाहिए, बेइज्जती है जी। लिया दो नहीं लेने, अभी बाहर भी देना एक, इधर एक ही लिया, किसके ले रहे? दो दो नहीं, यहाँ ले तू भी खा। अरे यार तू नहीं यार, अब ये बच्चे ऐसे रह गए हैं, अब ये यहाँ तीन रह गए। चलो किसी को दूंगा मैं अभी, ठीक है? रुको तुम्हें कुछ और चीज देंगे यार। अब क्यों, किसको नहीं दिया मैंने? एक आपको नहीं दिया, आप केला खाओ, आप भी केला खाओ, ठीक है? चलो एंजॉय, ठीक छो? तेरे को दे दिया था ना? हाँ दे दिया, सवाल। पंडित जी पिठा लगा रहे हैं, यहाँ पर तैयारी चल रही है मंदिर में पूजा करने की। और यहाँ चेक करो भौजी को, भौजियाँ पी रही हैं चाय आते ही। आज पंडित जी बहुत सारे नोट कमा के लाए हैं और मांग भी रहे हैं अभी अलग से। पंडित जी अपनी जेब के खर्च करो। बुआ हाथ दिला, बहुत बढ़िया, और कौन करेगा? तो रील बनाने लायक बहुत बढ़िया है से तू है यार, मैं सच्ची में।
गिलास है गिरी जाना भी ये चेक करो गाइस यहाँ क्या चल रहा है। और जोर से भाव में और भाव ही एक सार है और भाव से मुझको भजी तो भाव से बेड़ा पार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। गांव में ना आज भी सब लोग मिल करके खाना बनाते हैं। तो जैसे अभी अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है तो बाहर कुछ लोग अभी यहां पर पूरियां बना रहे हैं और सब्जी रायता वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका है और ये सब बन रहा है चूल्हे में बढ़िया तरीके से देखो। और आग भी सेक रहे हैं और पूरियां भी बन रही हैं बहुत सॉलिड टेस्टी एकदम लाजवाब पूरियां। तो बनाने वाले ये सब लोग हैं हमारे बंधु लोग, ये चाचा लोग बैठे हुए हैं, दादा लोग बैठे हुए हैं, तो सभी लोग बना रहे हैं मस्त तरीके से। कहाँ को जाएंगी यू आर? कहीं नहीं जाएंगी। तुम्हारी मैम को देखो कितनी अच्छी इंग्लिश आती है, कहीं नहीं जाएंगे, समझ रहे हो? पकाएंगे तो हम खाएंगे। ये लड़की क्यों छिप रही है मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। Why you are chipping? है? Why are you hard mood jaying? Why you are mood chipping? और खा रहे थे ब्लड आई। अरे खाएंगे और खाने में ध्यान देंगे अपन। ठीक छो? हम लोग तो खा रहे ब्लड आई। रामल खाया मौज कर बीर धोके बीर। सो गाइस बाय बाय सी यू टेक केयर। अपना खूब सारा ध्यान रखना ठीक छो, फिर मिलते हैं जल्दी एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बालमदा साथ ही चलेंगे। तो भाई मस्त खाना पीना खाने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ को, क्यों दाजू? ठीक छो ना? तो अब हम निकलते हैं यहाँ से और ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय भारत बाय बाय टेक केयर।